विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री मिलिन जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। भाई साहब, जो आज आपने विषय उठाया उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में हिंदू है और विश्व हिंदू परिषद के केंद्र में भी हिंदू है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी मान्यता है कि देश का कल्याण हिंदू के कल्याण में है। देश की या राज्य की जो भी नीति बननी चाहिए वो हिंदू हितों का ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए, क्योंकि इस देश की संस्कृति, इतिहास या हिंदुओं का इतिहास है। इसलिए हिंदू को केंद्र में रखकर विश्व हिंदू परिषद काम करेगी और किसी भी दल ने या किसी भी सरकार ने हिंदू हित को केंद्र में रखकर काम करना चाहिए, हमारा मानना है। सब देश में पिछले कई सालों से धर्मांतरण का मुद्दा हो, गौ रक्षा का मुद्दा हो, ये विषय समय समय पर उठते रहे। हालांकि विश्व हिंदू परिषद जरूर इसमें आगे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया समय के साथ साथ ये विषय कमजोर पड़ जाते हैं। और अगर आज की परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो आज सब कहते हैं कि सनातन धर्म की सरकार है, हालांकि आपने अभी कहा कि भारत सरकार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। उसके बाद भी अगर ये विषय हम देश में देख रहे हैं तो क्या कारण है? मुझे लगता है जो विषय हमने हाथ में लिए है, मतांतरण है या गोहत्या है, ये समस्याएं कम से कम 8-10 यानी शतकों से चल रही है, हजार साल पुरानी समस्याएं हैं। तो इसका तो कोई चमत्कार नहीं है, मगर योग्य दिशा में ये विषय को लेके जाना, और अर्थात हम ये चाहेंगे कि हमारे जीवन काल में ये समस्याओं का हल ढूंढा जाए, तो उसके लिए प्रयत्न करना, तो इसके लिए कानून भी लाना और समाज में वातावरण उस कानून के पालन का बने, यह भी करना, ये हमारा प्रयास है। और हम चाहेंगे कि कोई भी दल की सरकार आए इस काम में हमको सहयोग करे। सब राम मंदिर पिछले 500 सालों का जो मुद्दा था वो हमारे जीवन काल में वो पूर्ण हुआ, राम का मंदिर बन चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि कई मुद्दे हैं जो हमारे जीवन काल में पूर्ण होने चाहिए, लेकिन विपक्ष के द्वारा जो एजेंडा फैलाया जाता है उसका परिणाम हम लोकसभा चुनाव में भुगत चुके हैं, तो ऐसे एजेंडों से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करने? हिंदू जागृति ही एकमेव उपाय है। हिंदू समाज को जागना होगा, अपने अस्मिता का स्मरण करना होगा, अपनी खुद की पहचान उसको बनानी पड़ेगी। हिंदू जब हिंदू पहचान से नीचे हो जाता है, वो केवल जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय, प्रांत में बढ़ जाता है, तो उससे हिंदू समाज का नुकसान होता है। अपने जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय का स्वाभिमान रखते हुए भी हमारी अस्मिता ये हिंदू अस्मिता होनी चाहिए। ये जब तक होगी तब तक हिंदू का नुकसान नहीं होगा। हिंदू अस्मिता कमजोर हो गई तो हिंदू समाज का नुकसान होगा। ये थे हमारे साथ मिलन जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू हमेशा केंद्र में होना चाहिए, हिंदू अस्मिता हमेशा केंद्र में होना चाहिए, और जब भी हिंदू हितों की रक्षा के ऊपर कोई सवाल उठेगा तब तब इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारे सामने इस समय देखने को मिल रही है वो देखने को जरूर मिलेंगी। और जाहिर सी बात है कि जब जब भी हिंदू हितों के ऊपर कुठाराघात हुआ है, विश्व हिंदू परिषद हमेशा आगे आया है, और आगे भी भविष्य में इसी प्रकार से विश्व हिंदू परिषद हिंदू अस्मिता को, हिंदू को केंद्र में रखकर ही कार्य करता रहेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।